हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। बीएचयू पाठशाला एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको एजुकेशनल वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, लॉ वीडियो, टॉप स्टार सक्सेस स्टोरी और इन दोनों बीएचयू पाठशाला के पूरे वीडियो जो हैं वो यूजी एनपीजी के काउंसलिंग रिलेटेड हैं। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आज का एक्सपीरियंस बताने वाला हूं। मैं और मनोज सर, हम लोगों ने मॉर्निंग से यहां पे कंटिन्यूअस वर्क किया है। बीएचयू पाठशाला की पूरी टीम आपको जगह जगह अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को हेल्प करती नजर आ जाएगी। और मैं अपने अभी काउंसलिंग लगभग एंड में है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूं लोगों ने क्या गलती की है, कहां पे किस चीजों को आपको फॉलोअप करना है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आने वाले समय में आप ऐसा गलती मत कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि मनोज सर थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आज का इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। हेलो, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि अभी आप सबको पता होगा कि काउंसलिंग का ये पहला दिन था। कुछ डिपार्टमेंट ने जैसे एमएस संस्कृत, उन्होंने स्टार्ट कर दिया था पहले, तो जो लोग होते हैं बहुत बहुत दूर से भी आते हैं और ऑनलाइन भी प्रोसेस है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऑफलाइन फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन में उनको डर लगता है। तो ऑफलाइन में आने से पहले तो कुछ लोग यहाँ पर होता है कि समय से पहुँच नहीं पाते, तो बाद में दौड़ते हुए पहुँचते हैं। चलिए ठीक है, बीएचयू थोड़ा लिबरल सिस्टम रखता है तो आपका कर देता है। तो सबसे पहले तो आपको समय से आना है, ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आप टाइम से पहुँच ना सकें। इसको एक स्टेप्स में हम फॉलो करा लेते हैं। तो इसका जो सबसे पहला स्टेप है, आप काउंसलिंग पोर्टल ओपन करो, कॉल लेटर डाउनलोड करो और देखो कि किस डेट पे किस वेन्यू पर आपको बुलाया गया है। पहला स्टेप यही है कि आपको किस डेट पे किस वेन्यू पर बुलाया गया है। और आपको ध्यान होना चाहिए, दिमाग में आपको पता होना चाहिए कि आपको जिस डेट पे बुलाया गया है और जिस टाइम पे बुलाया गया है उससे आधे घंटे पहले उस प्लेस पर आप पहुंच जाओ। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि अपने साथ वो फाइल कैरी करोगे जो आपकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की फाइल है, ठीक है? और वो फाइल जो है वो कैसे प्रिपेयर करना है, तो ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट वाले वीडियो में बताया है। उसमें मैं आपको कैजुअली चाहूंगा कि मनोज सर आपको बता दें कि वो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। जैसा कि अभी पीजी का काउंसलिंग चल रहा है, तो उसके लिए देखिए, पहले सबसे पहले तो आपको 10+2 की मार्कशीट और 10th की, 12th की, उसके बाद बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और जिनका सेमेस्टर वाइज है उनको अपने सेमेस्टर्स की मार्कशीट होनी चाहिए, उसकी फ़ोटो कॉपीज होनी चाहिए। उसके बाद आपका फिर इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो होना चाहिए, उसके साथ उसकी फ़ोटो कॉपीज होनी चाहिए। और प्लस आपका काउंसलिंग कार्ड लेटर तो मस्ट है, इसके बगैर कभी आप मत आइएगा। प्लस एडमिट कार्ड जो आपका है वो लेकर आइएगा, आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर आइएगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपको मिलता है तो लाइएगा। जैसे जो यूपी गवर्नमेंट जो यूजी के लिए है उसमें मतलब यूपी बोर्ड नहीं देता है माइग्रेशन। तो ये सब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जिनको आपको लेकर आना है, उनकी फ़ोटो कॉपीज भी आपको कैरी करके लानी है, ठीक है? आगे के स्टेप्स में मैं आपको थोड़ा सा एक दो तीन चीज़ और समझा दूँ। आपको अपने फोटोज कम से कम 20+ ले आने हैं, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसके कम से कम 3-4 जेरोक्स कॉपी ले आनी है, ठीक है? और आपको ओरिजिनल इसलिए भी कैरी करना है, एज ए वेरिफिकेशन आपको थोड़ा सा शो ऑफ करना पड़ेगा, तो आप उसको भी कैरी करना। जो सेकंड स्टेप है ये मैंने आपको बताया। थर्ड स्टेप इसका क्या है, आप वेन्यू पहुंचने के बाद आपको एक सीटिंग स्पेस दिया जाएगा, जैसे कि आप वहां पर देख सकते हो लोग ऐसे बैठे हुए हैं, तो वैसे ही आपको एक सीट पर बैठाया जाएगा। थोड़ा सा कोरोना है तो कहीं कहीं डिपार्टमेंट में लोगों को स्प्रेड आउट कर दिया जा रहा है, कहीं कहीं पे प्लेस दिया जा रहा है, तो आप वो अपने डिपार्टमेंट और फैकल्टी वाइज देख लीजिएगा आपको कहाँ पे कैसे बैठने के लिए बोला जा रहा है। प्रशासन वहाँ पे लगी हुई है पूरा, आप देख रहे हो माइक से अनाउंसमेंट भी हो रहा है नाम। उसके बाद आपको रैंक वाइज, जैसे टॉप टेन जो बच्चे हैं उनको पहले दस को बुलाया जाएगा, फिर 10 को बुलाया जाएगा, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को सीरियल में कर लेंगे। वो सीरियल कैसे लगाना है वो यहाँ पे आपको बताया जाएगा। आप उस सीरियल में अपने डॉक्यूमेंट्स को बना लोगे, उस सीरीज में बैठा लोगे, फिर आप अपनी फाइल को ले जाके काउंसलर के पास बैठोगे, फिर काउंसलर आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, फिर फाइनली वो सिग्नेचर उस पर कर देगा। उसके बाद एक काउंसलिंग प्रोसेस यहाँ पे पूरा हो जाता है। लेकिन यहाँ इसके बाद एक और स्टेप स्टार्ट होता है, वो ये है कि आज जो बच्चे बहुत अच्छे रैंक और मार्क्स लाए हैं, आज ही 6 बजे के बाद डिपार्टमेंट और फैकल्टी एक्टिवेट हो जाती है। वो कोर्स अलोकेशन जो डैशबोर्ड होता है आपका काउंसलिंग, जहाँ पे साइन इन करके ईमेल आईडी पासवर्ड करके जाते हो, जहाँ से क्वालिटी इशू किए थे, वहाँ कोर्स अलोकेशन का ऑप्शन आ जाता है और हो सकता है कि आपके कोर्स वहाँ पे अलॉट हो जाए। और वो कोर्स आप जैसे आपको अलॉट वहाँ पे कोर्स होता है, आपको अगर कोर्स पसंद है तो फिर आप उस कोर्स को वहाँ पे लॉक करोगे और बगल में एक ऑनलाइन पेमेंट का मेथड होगा, वहाँ से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। ये पूरा मोटी मोटा एक प्रोसेस रहा। इसको और अच्छे समझने के लिए कंटिन्यूस वीडियो वॉच करना, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरी बातें नहीं बता पाऊंगा, गलतियां कहां पे हुई हैं और बाकी मनोज सर भी कुछ आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। इसमें कुछ पॉइंट है जो मैं और ऐड करना चाहूंगा। जैसे एक प्रेफरेंस एंट्री होता है,
तो यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट तो यहाँ करा भी रहे हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स उसको नहीं करा रहे हैं अभी, मतलब तो आप प्रेफरेंस एंट्री जहाँ तक हो सकता है आप घर पर ही कर लें, उसका फोटो कॉपी निकाल लें जीरोक, उसको कैरी करके लाएं, और जो सब्जेक्ट लॉक वाला सर ने प्रोसेस बताया उसमें पहले आपको फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, फी पेमेंट करेंगे तभी वो सब्जेक्ट लॉक होगा, लेकिन फी पेमेंट जब आप मोबाइल पर ओपन करते हैं तो कभी कभी वो फी पेमेंट का ऑप्शन नहीं शो कर पाता है, तो इसलिए उसको आप लैपटॉप के थ्रू या किसी साइबर कैफे में जाकर ही आपको करना पड़ेगा। और अगर आपको और भी क्वेरीज होती हैं तो आप डिटेल में जाइए, जानने के लिए आप वीडियोज को देखिए, हम और वीडियोज डालते रहेंगे, जिस पर इंफॉर्मेशन चाहिए उसको बताइए। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बीएचयू पाठशाला की पूरी टीम लगी हुई है आपके वेन्यूज पर, पूरे बीएचयू मेन कैंपस में लगी हुई जगह जगह वो आपको मिल जाएंगे। अगर वहाँ नहीं आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो जो नंबर आपको दिए गए हैं उस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको जरूर हेल्प की जाएगी। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए मनोज सर का भाई खासा पहले से अनुभव रहा है, मैं जानता हूँ भाई 3 साल का एक्सपीरियंस हो कुछ चीज़ें तो मैं पास, इसलिए मनोज सर को मैं साथ में, मनोज सर लगे हुए हैं इसीलिए कि भाई जो चीज़ मैं भूल जाऊँ छूट जाऊँ उसमें कॉपरेट कर देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सर, आपने बहुत सारी चीज़ों को बताया, खासकर वो वाली पॉइंट जो पेमेंट वाली है कि वो डैशबोर्ड पे ही ओपन होता है, मतलब डेस्कटॉप पे ही ओपन जनरली होता है, मोबाइल में ऑप्शन नहीं दिखता है, तो ये सब चीज़ें। बाकी एक ही दिन में पूरी कहानी नहीं ख़त्म हो पाएगी, मैं हमेशा ये बोलूँगा कंटिन्यूअस जब तक काउंसलिंग हो ना जाए, जब तक आपका एडमिशन ना हो जाए तब तक आप कंटिन्यू बीच पास हर एक वीडियोज़ को देखना, क्योंकि कोई ना कोई पॉइंट जोड़ते रहेंगे। ठीक है, मिलते नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड डू शेयर, मिलते हैं हर महादेव, राधे राधे, थैंक यू, ओके, वेलकम।